परसों में खत्म कर लें उसको। जुडिशरी न्यायपालिका आए, आप जानते हैं कि भारत में एकल न्यायपालिका की उदाहरणों को अपनाया गया। एकल न्यायपालिका से क्या मतलब है, या ड्यूअल न्यायपालिका, ड्यूअल जुडिशरी से क्या मतलब है, दोहरी न्यायपालिका या एकहरी न्यायपालिका। हाँ, यहाँ पर केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्था होती है, अलग अलग न्यायिक सोपान की स्थापना की गई होती है, वहां पर दोहरी न्यायपालिका कहा जाता है। एकहरी न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायिक सिस्टम के सबसे ऊपरी स्तर पर जो न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, और वो सर्वोच्च न्यायालय केवल केंद्र के लिए नहीं, राज्यों के लिए भी होगा। एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था जहां न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च स्तर पर स्थित न्यायिक निकाय में केंद्र और प्रांत दोनों से संबंधित विवादों को अंतिम रूप से ले जाया जा सकेगा। इसी सिस्टम को, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, एकहरी न्यायपालिका, सिंगल जुडिशरी सिस्टम, इसी को कहा जाता है। अमेरिका में आप जानते हैं कि ड्यूअल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम की डिमांड ये होती है कि जुडिशरी भी बटी हो केंद्र और राज्य के बीच, उनकी अलग हो हमारी अलग हो, केंद्र की अलग राज्य की अलग। फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ भी, और फेडरल सिस्टम है तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन आप किसी सिस्टम के आदर्श स्वरूप को कोई राज्य व्यवस्था, कोई राज्य लेके चल नहीं पाता। हम अपनी जरूरतों के मुताबिक, राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक, हमने बहुत सारे सिस्टम फेडरेशन के लिए हैं, बहुत सारे सिस्टम में उन सारे सिस्टम को जो उसके बेसिक्स हैं, जो उसके बेसिक नेचर हैं, वो हमारे यहाँ हैं, इसीलिए हम कह लेते हैं हमारे यहाँ भी फेडरल सिस्टम है। लेकिन फेडरल सिस्टम के बहुत सारे हमने वैसे कुछ छोड़ भी दिया है जो हमारे राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे, उन्हें हमने छोड़ दिया। उसके लिए हमने कहाँ चले गए, ब्रिटेन, जहाँ एकात्मक सिस्टम है। आप जानते हैं हमारा संविधान बना भी कुछ ऐसे है, कुछ हमने अमेरिका से, कुछ हम ब्रिटेन से, अमेरिका में फेडरल सिस्टम, ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम। इसीलिए हमारे सिस्टम के इसी व्यवस्था को देखकर इसकी आलोचना भी हुई, आलोचना भी की गई। कुछ लोगों ने कह दिया कि क्वाजी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है, कुछ लोगों ने कह दिया कि भारतीय राज व्यवस्था है, भारतीय संविधान में तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मतलब है कि केंद्र का पल्ला भारी बनाया गया राज्यों को, शक्तियों के बंटवारे में केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। तो ये सारी चीजें हर देश में होती रहती हैं। बेशक अमेरिका को एक क्लासिकल फेडरेशन माना जाता है, उसके बावजूद वहां भी, मतलब फेडरेशन के आइडलिस्टिक स्वरूप को स्वीकार वहां भी नहीं किया गया है, वहां भी कंप्रोमाइज किया गया है, वहां भी संघात्मक से संबंधित बहुत से तत्वों को वहां भी छोड़ा गया है। उनकी डिमांड थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था की वो मांग थी, हमारे मांग और थी, हमने और सारी चीज छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसे कहा गया, न्यायपालिका को लेके उसे कहा जाता है एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका का सिर्फ यही मतलब कि हमारे यहाँ न्यायपालिका केंद्र और राज्य के बीच विवादित नहीं होगी। हमारे यहाँ जो भी मामले शुरू होंगे न्यायिक व्यवस्था के निचले सोपान से शुरू होंगे और न्यायिक व्यवस्था के उच्च सोपान तक जाएंगे, चाहे वो विवाद राज्यों के हैं, चाहे वो विवाद केंद्र के हैं। उनका अंतिम जो है अपील करने का जो न्यायिक सोपान होगा, न्यायिक स्थल होगा, वो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसे हम अपने सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारत में एकहरी न्यायपालिका के होने के बावजूद आप जानते हैं कि न्यायपालिका के तीन स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन? सबसे ऊपर जो होता है उसे क्या कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है, थोड़ा सा हम न्यायिक व्यवस्था की परिचय हम लोग जान लें, फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उच्च न्यायालय पर कैसे आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेसिक कार्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कार्य जो है
जो उसका सबसे बड़ा कार्य है वो केंद्र और राज्य के बीच कोई डिस्प्यूट है या दो से अधिक राज्यों के का आपसी कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, इनकी सुनवाई करना। और आप जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे भी, आर्टिकल 131 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता का मतलब यही है जो पहला काम सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। मूल अधिकारिता का मतलब होता है, आरंभिक अधिकारिता का मतलब होता है कि ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकते हैं, उसके नीचे के किसी न्यायिक सोपान में उन्हें आरंभ नहीं किया जा सकता। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रमुख काम। केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है, मान लीजिए एक पक्षकार केंद्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश हो, या उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी राज्य जुड़े हों, तो केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो, या दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई आपसी विवाद हो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कोई विवाद हो जाए, सीमा को लेके, नदी जल बंटवारे को लेके, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, तो इन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होती है। ये मामले केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकते हैं, उसके नीचे के न्यायिक सोपान में शुरू नहीं किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा कार्य क्या हो सकता है? आर्टिकल 32, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के भाग 3 में दिए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को संरक्षा प्रदान करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जो इसका सबसे विशिष्ट कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का, जिस वजह से सर्वोच्च न्यायालय स्वयं में विशिष्ट बन जाता है, अंतिम रूप से संविधान को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रिटेशन करना, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से नीचे के जितने न्यायिक सोपान हैं, उच्च न्यायालय या सबॉर्डिनेट कोर्ट जो उससे नीचे के न्यायालय हैं, वो जो निर्णय दिए हैं उनके निर्णय कहां जाएंगे? उच्च न्यायालय में जाएंगे। उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया गया है, चाहे वो सिविल मामले में, चाहे वो आपराधिक मामले में, क्रिमिनल केसेस में या सिविल केसेस में, उसकी अंतिम रूप से अपील की सुनवाई करने का अधिकार किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी कहीं हेग में हम जा सकते हैं क्या? नहीं, अंतरराष्ट्रीय विवाद वहां जाते हैं, हमारे घरेलू विवाद नहीं जाएंगे। हमारे घरेलू विवादों को सुनने का अंतिम न्यायिक सोपान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है। तो क्या क्या काम हो गए? राज्य के बीच कोई विवाद है, इसकी सुनवाई करता है। राज्यों के आपसी कोई विवाद है, इनकी सुनवाई करता है। मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करता है, तथा अपने से नीचे के न्यायालयों के द्वारा सिविल या आपराधिक मामलों में की गई अपीलों की अंतिम रूप से सुनवाई करता है। ये काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जो दूसरा न्यायिक सोपान है, कहा गया है राज्यों का उच्च न्यायालय, राज्यों का उच्च न्यायालय, इसका प्रमुख काम क्या है और है क्या ये? राज्य का उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होता है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो कार्यों को हटा दीजिए। कौन कौन? जो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद या राज्यों के आपसी विवादों को सुनने का जो उसका अधिकार है, इसको हटा दीजिए। तो उच्च न्यायालय एक राज्य के भीतर वो सारे कार्य करता है जो देश के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय कर रहा होता है। लेकिन उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं, तो आप जान ही रहे, अधीनस्थ न्यायालय की अलग अलग व्यवस्था है संविधान के भाग 6 में ही। कहां से? अनुच्छेद 33 से लेकर 37 तक, 233 से लेकर 237 तक सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात की गई है। ये तो यार टेक्निकल मामला है, ये पढ़ाने लिखाने संबंधित नहीं है, ये वहां से हो जाएगा, वहां से पता कर लगे। दिक्कत हो रही क्या?
ये भी हो सकता है यार, सही बात है। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल जरूरी होता है। देखिए अब मैंने कितना सटीक आपको आइडिया दिया कि अगर यहां से दिक्कत है तो सीट बदल लो, यहां जाओ। कि मोहल्ला यही पसंद है, यहां भी ना, तो फिर पहले आ जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का सबॉर्डिनेट नहीं कहा जाता, सबॉर्डिनेट नहीं है। क्यों नहीं है? और इसके नीचे के न्यायिक सोपान है जिन्हें आप अधीनस्थ न्यायालय कह रहे हैं, इसका नाम ही सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इसका नाम ही अधीनस्थ न्यायालय है। नाम से ही विदित हो रहा है, नाम में ही ये बात अंतर्निहित है कि इसके नीचे के जो न्यायिक सोपान है वो सब उच्च न्यायालय के अधीन है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। क्या राज्यों के उच्च न्यायालयों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय का किसी तरह कोई नियंत्रण नहीं होता? अधीन होने क्या मतलब? नियंत्रण होना, कंट्रोल होना उसका। क्या जो उच्च न्यायालय है इन उच्च न्यायालयों पर देश न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं है? है तो भाई, लेकिन नियंत्रण कैसा? नियंत्रण दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो होता है न्यायिक नियंत्रण, और दूसरा होता है प्रशासनिक नियंत्रण। जुडिशियल कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। उच्च न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक नियंत्रण तो होता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय कंट्रोल करता है न्यायिक रूप से उच्च न्यायालयों को, लेकिन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं होता, प्रशासन नियंत्रण नहीं होता। कोई उच्च न्यायालय अपने प्रशासन की व्यवस्था कैसे करेगा? किसी मामले में कोई उच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों की पीठ बनाएगा, या जो गैर न्यायिक काम है उन पर नियंत्रण करेगा? ये सब काम उच्च न्यायालय खुद करेगा, जो उसके प्रशासन से संबंधित बातें हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय की कोई इंटरव्यूइंग नहीं होगी, उसका कोई इंटरफियर नहीं होगा, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जुडिशियल इंटरफेरेंस है, न्यायिक नियंत्रण है। न्यायिक नियंत्रण कैसे है? सबसे बड़ी बात यही हो गई कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है, क्योंकि वहां उसकी अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को अपील करने का अधिकार, चाहे वो सिविल मामले में दिया गया है, चाहे वो आपराधिक मामले में दिया गया है, उसकी अंतिम अपील कहां हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय को, चाहे वो सिविल मामले में दिया गया हो या आपराधिक मामले में दिया गया हो, उसे बदलने की, उसे चेंज करने की पावर उसमें होती है। नियंत्रण हो गया कि नहीं हो गया? और सबसे बड़ा नियंत्रण कैसे हुआ? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? कर्ता तो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति आज सिंबॉलिक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाली कॉलेजियम की सलाह पर करता, न्यायिक मंडल के परामर्श पर करता है, कंसल्टेशन पर करता है। मतलब किसी उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा डिपेंड किस पर है? सर्वोच्च न्यायालय पर। क्योंकि आप जानते भी, हम उस पर आएंगे भी, कि कॉलेजियम की राय, कॉलेजियम की परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। उसमें कई मामले हैं भी आ रहे हैं उस पर, कि एसपी गुप्ता में क्या हुआ था, या 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ में क्या हुआ, या राष्ट्रपति संदर्भ 18 में क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई। और फाइनली यही तय है अभी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर जो न्यायिक मंडल बन रहा है, जो कॉलेजियम बन रही है, उस कॉलेजियम की परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। एक ही स्थिति में राष्ट्रपति से डिनाई कर सकता है, अगर परामर्श संबंधी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। उसका एक तरीका है ना, कैसे कैसे परामर्श देना है, किन से विचार विमर्श करना है, किस रूप में ओरल देना है कि लिखित देना है, अगर ये सारी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है
तो राष्ट्रपति फिर परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा, परामर्श को डिनाई नहीं कर सकेगा। प्रक्रिया को लेकर कोई दिक्कत है अगर, उस पर अगर सवाल है, तो राष्ट्रपति परामर्श मानने से मना करेगा। मना करने का इतना मतलब है कि वो कहेगा भाई प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप हमको मतलब कंसल्टेशन दीजिए, हमको हमको सलाह, हमको परामर्श दीजिए, माने से मना नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें अगर की गई, इसका मतलब न्यायिक नियंत्रण हो गया, जुडिशियल कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन प्रशासनिक कंट्रोल नहीं, प्रशासनिक कंट्रोल न होने की वजह से ही उच्च न्यायालय को न्यायालय का सब ऑर्डिनेट कोर्ट नहीं कहा जाता है, उसका अधीनस्थ न्यायालय नहीं कहा। आपका सवाल है इंटरव्यू में, जान लीजिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि भारत के न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, शीर्ष का मतलब क्या हो गया, उसके नीचे की जितने लोगों सब पर कंट्रोल हो कि ना हो, और कंट्रोल होने का मतलब है अधीन होने का मतलब है, नियंत्रण होने का मतलब है सब ऑर्डिनेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि उसका अधीनस्थ नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। प्रशासनिक निगरानी करने के लिए पूरी तरह से उच्च न्यायालय स्वायत्त है, स्वतंत्र है, वो अपने तौर तरीके से वो खुद नियम बनाएगा, वो खुद रेगुलेशंस बनाएगा प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए। ये उच्च न्यायालय में नीत है, ये पावर नीत पावर उसकी है, इसीलिए कहा गया कि ये इसका सब ऑर्डिनेट नहीं है। इन दोनों को मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मिलाकर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हायर जुडिशरी कहा जाता है। इन्हें हायर जुडिशरी कहा जाता है। उच्चतर न्यायपालिका इन्हें न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। इनके नीचे के जो न्यायिक सोपान, उन्हें क्या कहा गया, अधीनस्थ न्यायालय। सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहां पर होते हैं, ये जिले स्तर पर, और जिले स्तर पर सब ऑर्डिनेट न्यायालय के अंतर्गत जो सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक निकाय होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या सेशन सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय। असल में होता क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायपालिका की दो धाराएं होती हैं, सिविल और आपराधिक मामलों को लेकर, तो यहां पर की सुनवाई करने के इनको अधिकार है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन सिविल कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में, ये दोनों धाराएं अलग अलग होती हैं। जिस समय जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मामले की सुनवाई कर रहा होता है, उस समय उसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उस समय उसका नाम जिला न्यायालय होता है। और जिस समय वही न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा होता है, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रहा होता, नाम बदल जाता, नाम क्या हो जाता उसका नाम हो जाता है सेशन कोर्ट, और जज को कहा जाता है सेशन जज, सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश कहा जाता। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के अधीन काम करने वाले दो तीन स्तरों पर और न्यायालय होते हैं जो उसके अधीन काम करते हैं। तो पूरा का पूरा ये न्यायालय जो होता है, जो न्यायिक सोपान है, ये न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से किसके अधीन काम करता है, उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है। इस उच्च न्यायालय के अधीन मतलब उच्च न्यायालय इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसकी भूमिका होती है, परामर्श कंपलसरी उसका भी होता है, ट्रांसफर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाएगा, उच्च न्यायालय की बड़ी भूमिका होती है। न्यायिक नियंत्रण हो गया और पूरी तरह से इनके प्रशासनिक कार्यों की मॉनिटरिंग, पूरी तरह से इनके प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करने का दायित्व उच्च न्यायालय का होता, तो हर तरीके से क्या हो गया, ये पूरी तरह से अधीनस्थ हो गया। अधीनस्थ सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पर
उच्च न्यायालय का न्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों है। उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। इस इश्यू को लेके, इस मुद्दे को लेके हर उच्च न्यायालय स्वतंत्र और स्वायत्त होता है अपने प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। इसलिए उच्च न्यायालय को सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं कहा जाता, नहीं तो नियंत्रण में तो वही है, अधीन तो वही है, कंट्रोल में तो वही है, लेकिन प्रशासनिक कंट्रोल नहीं है, उन्हें स्वायत्तता दी गई है, वो अपने तौर तरीके से काम करें। इस परंपरागत न्याय न्यायिक व्यवस्था के अलावा आप जानते हैं ट्रिब्यूनल्स का नाम होगा जिसे क्या कहा जाता है, अधिकरण। अधिकरण क्या होते हैं, अधिकरणों का गठन क्यों किया गया, क्या अधिकरणों की व्यवस्था संविधान मूल संविधान में थी, अभी है कि नहीं है संविधान में? इसका मतलब है कि अधिकरणों को हम संवैधानिक निकाय नहीं कहेंगे क्योंकि संवैधानिक निकाय वो हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद के किसी भाग में किया गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। क्या हम अधिकरणों को संवैधानिक निकाय कह सकते हैं, नहीं कह सकते थे, अब कह सकते हैं। आरंभ में अधिकरणों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियमों के तहत होता था, संसद कानून बनाती थी, कानून के तहत इस तरह के अधिकरण। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि न्यायपालिका पर न्यायिक कार्य का बोझ बहुत था और ये बोझ होने की वजह से मतलब बहुत सारे मामले पेंडिंग हुआ करते थे जिसे दिक्कत क्या होती थी, उन मामलों का निस्तारण होने में एक लंबा टाइम लग जाता था। अगर अभी वर्तमान में प्रचलित आंकड़ों के आधार पर आपसे बात करें तो न्यायपालिका के तीनों स्तरों को ले लीजिए तो 3 करोड़ से ज्यादा मामले क्या हैं, लंबित हैं, 3 करोड़ से ज्यादा मामले अनिर्णीत हैं जिन पर निर्णय आना बाकी है। इसमें से 3 करोड़ से ज्यादा मामलों में लगभग 52,500 मामले सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत हैं, 52,500 बहुत बड़ी संख्या होती है, 40,00,000 मामले उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत हैं, 2,70,000 मामले यहां पर अनिर्णीत हैं जो अधीनस्थ न्यायालय जो जिला कोर्ट है। और एक चौंकाने वाली बात और है कि जिस गति से हमारी न्यायपालिका काम कर रही है, इंडियन जुडिशरी काम कर रही है, अगर इन मामलों की सुनवाई की यही गति रही तो 3 करोड़ मामलों को उसके अंजाम तक पहुंचाना, उसके बिंदु तक पहुंचाने में कितना टाइम, 400 साल लगेगा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को न्याय पाने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। काम 100 साल जी पाते हैं, हम तो 100 साल भी नहीं जी पाते। अगर हम मान लें कि हम 100 साल तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके हमको निर्णय, तब हमको जाके न्याय मिल पाएगा। और इसका कारण क्या है, विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में कमी, संरचनात्मक कमियां, वैज्ञानिक चीजों की कमी होने की वजह से। आप जानते हैं अगर आंकड़े के आधार पर आप गणना करें तो भारत में 1,00,000 की जनसंख्या पर कुल 12 न्यायाधीश पाएंगे आप, सारे में सारे न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सारे न्यायाधीशों को जोड़ लीजिए तो अनुपात क्या पाएंगे आप कि 1,00,000 की जनसंख्या पर सिर्फ और सिर्फ भारत में 12 न्यायाधीश हैं। टाइम लगेगा नहीं लगेगा। और इन्हीं जनसंख्या के अनुपात ब्रिटेन में कितने हैं, इसी 1,00,000 की जनसंख्या, वहां 100 न्यायाधीश, इसी 1,00,000 की जनसंख्या पर अमेरिका में 130 न्यायाधीश हैं। इसीलिए वहां जो है मामले जल्दी निस्तारित हो जाते हैं, उनकी जल्दी पेंडेंसी खत्म हो जाती है, जल्दी निर्णय आ जाते हैं। हमारा इन्हीं सारी चीजों के तहत न्यायपालिका में कई इनोवेशन किए गए, कई नवाचार किए गए। ट्रिब्यूनल्स आए, फास्ट कोर्ट ट्रैक का नाम आपने सुना होगा, फैमिली कोर्ट का नाम सुना होगा, कंज्यूमर कोर्ट का नाम आपने सुना होगा,
ई मोबाइल का नाम आपने सुना होगा, सुना कि नहीं, ग्राम न्यायालय का आपने नाम सुना होगा। ये तमाम नवाचार, ये तमाम नया प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से शुरू किए गए ताकि मामले ही खत्म कर लिए जाएं। उच्चतर न्यायपालिका तक मामले न जा पाए कि उच्चतर न्यायपालिका पर इन मामलों को लेकर इन न्यायिक कार्यों के लिए बोझ सा हो जाए और व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़े। पता नहीं भाई, हमारे हिंदू मिथोलॉजी में माना जाता है हम फिर से आएंगे, लेकिन और धर्मों से नहीं माना जाता। कई धर्म है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो वो बेचारे कैसे संतोष करेंगे। हम तो कर लेंगे भाई, चलो कोई बात नहीं है, मर रहे हैं फिर आ जाएंगे तो कम से कम बोध हो सकेगा कि हमको न्याय मिल गया। लेकिन वो धर्म वाले जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, वो कैसे बेचारे संतोष करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए इन सारे नवाचारों का प्रयोग किया गया। आरंभ में इसे वैधानिक स्तर दिया गया था, लीगल स्टेटस दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में आप जानते हैं कि एक भाग है भाग 14, इस 14 में सेक्शन ए जोड़ा गया। सेक्शन ए जोड़ दिया गया, मतलब भाग क्या बन गया, 14A, 14 का। अब 14 का जो बना, इसके अंतर्गत जिस चीज का उल्लेख किया जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें दो अनुच्छेद सिर्फ जोड़े गए, कौन कौन, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 14 में सेक्शन ए जोड़ा गया। सेक्शन ए जोड़कर एक नया भाग बनाया गया 14A, जिसमें दो आर्टिकल शामिल किए गए, अनुच्छेद 323 तथा 323B। इनमें प्रावधान कर दिया गया कि कुछ विशेष विभागों तथा नियमों के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार इन ट्रिब्यूनल्स को होगा। अनुच्छेद 323A तथा 323B पार्लियामेंट को पावर देगी कि भाई वो कानून बना के इन ट्रिब्यूनल्स का गठन कर ले। जिन ट्रिब्यूनल्स में कुछ विभागों से संबंधित मामले, कुछ कानूनों से संबंधित मामले, कुछ अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई यहीं पर कर दी जाएगी ताकि न्यायपालिका पर बोझ कम हो सके। इसके अलावा इस न्यायिक व्यवस्था से पृथक एक और न्यायिक व्यवस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मिलिट्री कोर्ट कहते हैं, जिसे हम सेना न्यायालय कहते हैं। तकनीकी रूप से, टेक्निकली वो न्यायपालिका का अंग नहीं है, लेकिन सेना न्यायालय जो है वो भी कार्य किस रूप में करता है, जिस पर न्यायालय करते हैं। इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य समझ के तहत हम उसे क्या कह देते हैं, न्यायालय कह देते हैं। सेना न्यायालय हम मिलिट्री कोर्ट से भी कह देते हैं। मिलिट्री कोर्ट में कैसे मामले लाए जाते हैं, सैनिकों से संबंधित विवादों को कहां लाया जाता है, मिलिट्री कोर्ट में, सेना न्यायालय में। उसमें न्यायाधीश की भूमिका में कौन होता है, सेना के सर्वोच्च अधिकारी, सेना के बड़े ऑफिसर्स न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। आरंभ में व्यवस्था थी कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सेना न्यायालय ने किसी डिस्प्यूट पर सुनवाई करते हुए अगर कोई निर्णय दे दिया, निर्णय क्या अंतिम हो गया वो, लेकिन आगे चलकर कानून बनाकर इसकी डिमांड की गई कि भाई जिस तरह से उच्चतर लोअर जुडिशरी के द्वारा गलतियां हो सकती हैं, उसी प्रकार मिडिल कोर्ट के द्वारा भी गलती हो सकती है किसी निर्णय को देने में, तो एक मौका और कम से कम मिलना चाहिए। उसके लिए क्या बना दिया गया, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई कि अगर सेना न्यायालय किसी डिस्प्यूट पर कोई डिसीजन दे रहा है, कोई निर्णय दे रहा है, तो उस डिसीजन को फिर से एक रिव्यू कर लिया जाए एक बड़े इसी प्रकार के ट्रिब्यूनल्स में, जिसका नाम क्या हो गया, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, सशस्त्र सेना अधिकरण हिंदी में इसे कहा गया। तो इस प्रकार न्यायपालिका के तीनों स्तरों से संबंधित मामलों को संविधान के अलग अलग भागों तथा अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत उनका उल्लेख किया गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहां पर है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कहां की, संविधान के भाग, किस भाग में, भाग 5 के और चैप्टर 4 में इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद
आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक किसके बारे में बात, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कही गई। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के बारे में बात कहां पर की गई है, संविधान के भाग 6 राज्य कहां शुरू होता है, तो राज्य की जुडिशियरी की बात कर रहे हैं ना, भाग 6 हो गया। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद कहां पर, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक किसके बारे में प्रावधान, उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया। इसी प्रकार सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में प्रावधान कहां पर किया गया, संविधान के भाग किस भाग में, 6 में ही, और अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक इनके बारे में बात की गई। इसी प्रकार ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कहां की गई, संविधान के भाग 14 ए के अनुच्छेद 323 ए तथा 323 बी के अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अधिकरणों के बारे में बात की गई। इसके अलावा भी कुछ नियमों के द्वारा इस तरह के कुछ बोर्ड आयोग या फोरम का भी गठन होता है जो न्यायिक कार्य करते हैं या न्यायिक प्रकृति के कार्य वो भी करते हैं। ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन है हमारे यहां न्यायपालिका का, ठीक। हाँ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानेतर, संविधान से हटकर कानून बना के उसका प्रावधान किया गया। संवैधानिक केवल दिमाग पर रखिए, संवैधानिक और संविधानेतर में देखिए तीन चीजें होती हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इसलिए आज भी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स गठन किया जा रहा है जो इनसे शक्ति लेके नहीं, संसद खुद गठित करती है। तो इसका मतलब दो प्रकार के ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, कौन कौन, एक लीगल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो लीगल ट्रिब्यूनल्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, संविधान लागू 1950 में 26 जनवरी 1950 को, उसके कुछ ही समय के बाद से इस प्रकार के ट्रिब्यूनल का गठन संसद करना आरंभ कर दिया था आगे चलकर, ताकि इनमें और पावर आ सके, इनमें ताकत आ सके। आप बताइए कि जिसको स्वयं संविधान से शक्ति मिले तो पावर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि संविधान हमारी सबसे बड़ी विधि है, संविधान सबसे बड़ा कानून का स्रोत है, इसी उद्देश्य से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर। हाँ, क्या, अरे यार आएंगे कहां, अभी तुमने शुरू ही नहीं किया यार। अधीनस्थ न्यायालय किसमें है, हमने क्या लिखा, यहीं पर दिया गया है, हो सकता तुम बोल रहे हो 241 में क्या चीजें हो सकती हैं, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक किसके बारे में प्रावधान, केंद्र संघ शासित प्रदेशों के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो 241 यहां कैसे आ जाएगा, गलत पढ़े नहीं, गलत दिमाग लगाए, दिमाग से सोचो तब काम चल जाएगा। वहां तो मैंने कई बार बताया था आपको, जब मैं आपको, मुझे लगता है आर्टिकल 1 बता रहा था तभी ये चीज मैंने आपको बता दिया था कि कहां कहां ये चीजें दी गई हैं, कैसे कैसे, ठीक। कोई बात नहीं, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, आपने देख लिया कहां पर किया गया है, भाग 5 के चैप्टर 6 के अनुच्छेद 124 से लेके 47 तक, यहां सारे अनुच्छेद आपको रटने नहीं है, जिन अनुच्छेदों की जरूरत है उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की पहली बात तो हम संरचना, संरचना जज
कितने होंगे, कैसे होंगे, कहां बात कही गई है, कितने हो सकते हैं, उन्हें बढ़ाया जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है, आदि आदि। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संविधान के बारे में प्रावधान जो किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद किसमें 124 सेक्शन 1 में क्या कहा गया है, यहां सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा जब तक संसद विधि द्वारा अधिक न्यायाधीशों के लिए विधि बना के विहित न करे तब तक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। बात समझे, 124 खंड एक में क्या कहा गया है। तीन थे, एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीश। 1773 में 4 थे, एक मुख्य न्यायाधीश एलजेएमपी थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो 1935 में उसमें 3 थे, एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीश। 1773 के द्वारा जो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वो 4 सदस्यीय न्यायिक, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं है? किसमें कि 6 न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट में, किसमें नहीं नहीं न्यायिक निकाय था, वो अस्तित्व में नहीं आ पाया क्योंकि संघात्मक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ पाई। संघात्मक व्यवस्था को संचालित करने के लिए ही फेडरल कोर्ट की स्थापना हो रही थी, तो संघात्मक व्यवस्था इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया। तो जब फेडरल सिस्टम ही नहीं आ पाया, उसी फेडरल सिस्टम के संचालन के लिए ये न्यायिक व्यवस्था की जा रही थी, वो भी अस्तित्व में नहीं आ पाया। 3 सदस्यीय न्यायालय की बात उसमें कही गई थी, 3 सदस्यीय न्यायिक निकाय। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, 1+7=8 यह प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 124 खंड एक में। लेकिन 24 खंड एक बात का भी जिक्र किया गया था, इस बात का भी उल्लेख किया गया था, संसद के पास ये पावर है, मतलब संसद को अनुच्छेद 124 सेक्शन 1 शक्ति देता है, संसद समय समय पर इस संख्या को बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती, ये अधिकार नहीं दिया गया संसद। क्योंकि यहां क्या कहा जा रहा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति, एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा जब तक संसद विधि द्वारा विहित न कर दे, विधि मतलब व्यवस्था न कर दे, तब तक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इसका मतलब है कि 124 खंड एक में ही इस बात का उल्लेख है कि संसद जो है वो कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। इस चीज में यह बात अपने आप अंतर नहीं है कि संख्या को घटा नहीं सकती हो। अच्छा, क्या किसी कंडीशन में नहीं घटा सकती? कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब संसद घटा दे? बढ़ा तो सकती है, तो 124 खंड एक ही कह रहा है। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन होगी जिसमें संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को रिड्यूस नहीं कर सकती, उसे घटा नहीं सकती? संविधान संशोधन सुविधा तो वही है, बस करना क्या होगा संविधान में संशोधन का। भाई संशोधन का क्या करना है, 124 खंड एक में वही तो लिख देना है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायाधीशों की संख्या को घटा या बढ़ा सकती है। अभी तक क्या लिखा, बढ़ा सकती है,
संसद विधि द्वारा बढ़ा सकती है, लिख दिया जाए, क्योंकि संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास? संसद के पास है। तो संसद इस शक्ति का प्रयोग करके इस शब्द को जोड़ नहीं सकती क्या? जोड़ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है? बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। और संसद ने अपने इस शक्ति का प्रयोग अभी तक 6 बार किया है, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या बढ़ाई गई है। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, जब मैं स्रोत पढ़ा रहा था आपको अमेरिका से क्या क्या लाया गया, उसमें मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट करिए, मैं कर रहा हूं। यह संख्या 1950 में थी, क्या था? 1+7=8। 1956 में फिर इस संख्या को बढ़ाया गया, संसद ने विधि बनाया। विधि क्या बनाया? विधि क्या बनाया? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, पहला कानून बना। कानून बना के कुछ होगा, पहला कानून बना कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956, इस कानून को बना के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या बढ़ाएगी। बढ़ा क्या कर दिया गया? 1+10=11। 1956 में, 1960 में संसद ने फिर से इस पावर का प्रयोग किया, कितना कर दिया गया? 1+13=14, मतलब 14 न्यायाधीश, 14 जजेस की व्यवस्था कर दी गई चीफ जस्टिस को लेके। इसी प्रकार 1978 में फिर संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया, 1+17, मतलब कुल जजेस कितने? 18 चीफ जस्टिस को लेके। 1986 में फिर संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया, कितने हो गए? 25+1 कितने हो गए? 26। 2008 में फिर संसद ने शक्ति का प्रयोग किया, कितना कर दिया था? 30+1 और 2019 में भी संसद ने साल में शक्ति का प्रयोग किया और 1+33 कर दिया गया। 1+ मतलब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है भाई? 34 न्यायाधीश। इन सारी चीजों का प्रावधान कहां पर किया गया है? आर्टिकल 124 सेक्शन 1 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी। इसमें एक बात, जैसे जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो वहां बार बार इस पर वो इंसिस्ट करते हैं आपसे, क्योंकि आप क्या बताएंगे जो 124 खंड एक में लिखा गया है। 124 खंड में सिर्फ इतना लिखा गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और जब तक संसद विधि द्वारा विहित न करे तब तक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। संसद विधि द्वारा विहित न करे, इसका मतलब है कि संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को संख्या को बढ़ाने की शक्ति है। 24 खंड एक दे रहा है, 124 सेक्शन एक दे रहा है, तो क्या किसी स्थिति में घटा नहीं सकती? वही कंडीशन आइएगा, उसको आपको वहां बताना होगा कि अनुच्छेद 359 में संसद को एक विशिष्ट पावर दी गई है संविधान में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन, किसी भी तरह का कोई संशोधन करने की। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद 124 सेक्शन 1 को संशोधित कर सकती है और संशोधित करते उसमें लिखा सकती है, उसमें लिख सकती है कि संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटा और बढ़ा कुछ भी सकती है, इतनी। लेकिन वो झमेला बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं जब वहां से आप पर प्रेशर डाला जाए तो इसका मतलब है कि प्रेशर किस लिए डाला जा रहा है? आपको 368 की प्रोसीजर पता है कि नहीं पता? आपको संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति पता है कि नहीं पता? तो संशोधन करके तो कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये भी बात नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर हो न्यायाधीशों की संख्या जो है, बेसिक स्ट्रक्चर में तो परिवर्तन नहीं होगा। पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में भी, बेसिक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव परिवर्तन न हो सकता तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कैसे 3 शब्द जोड़े गए?
समाजवादी पंथर्विस अखंडता है कि नहीं। इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा था कि अगर किसी चीज को संविधान में शामिल करने से संविधान और गुणवत्ता परक होता है, संविधान की क्वालिटी और बढ़ती है, संविधान में और कॉम्प्रिहेंसिवनेस आता है, व्यापकता आती है और व्यापक और विस्तृत बनता है, ऐसा अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में भी हो सकेगा, संविधान के मूल ढांचे में भी हो सकेगा। लेकिन अगर किसी संशोधन से वो रिड्यूज हो रहा है, वो सीमित हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है, उसकी क्वालिटी पर निगेटिव असर पड़ रहा है, उसकी गुणवत्ता पर, ऐसा संशोधन नहीं हो सकेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बातें, ये कहा गया है अनुच्छेद 124 खंड एक में। इसी प्रकार संरचना के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका, संविधान में क्या बात थी, अभी क्या बात हो गई, सबको आप कंपैरेटिव देखिएगा, तुलनात्मक ढंग से देखिएगा। और इसके बारे में बात कही गई 124 सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में कई बातें कही गई हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, इनके पद में रिक्ति कैसे होगी, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा, मतलब उनकी पद क्या होगी, इन सारी चीजों का जिक्र कहां पर किया गया है, आइए हम लिख दें। यहां पर 114 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकाल व पदावधि, पद में रिक्ति, खाली रहेगा, इन सारे चीजों के बारे में जिक्र कहां पर किया गया है, आर्टिकल 124 सेक्शन 2 में। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रावधान था, कैसे नियुक्त होते थे, सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और ऐसी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके करेगा जिससे परामर्श करना वो जरूरी समझे, जिससे परामर्श करना वो उचित समझे। केवल इतनी बात कही गई थी मूल संविधान में 124 सेक्शन 2 में उसके नियुक्ति के बारे में। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति किसमें थी, राष्ट्रपति में थी, इसका मतलब किसमें थी, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता, प्रधानमंत्री होता। पूरी तरह से राजनीतिक चीज बना दी गई थी इसे संविधान में, और इसी को लेकर दिक्कत हुई। अब इसको आगे कह दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे उचित समझे, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य करेगा। बाध्यता नहीं थी, बाध्यता कोई बात नहीं कही, इतनी सी केवल बात कही गई थी, परामर्श बाध्यकारी है नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था सेक्शन 2 में। केवल इतनी बात कही गई थी कि अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिनसे परामर्श करना उचित समझे हो, और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है तो इस परामर्श के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी वो परामर्श करे, इतनी बात कही गई थी। वो बाध्यकारी है, वो परामर्श मतलब उस पर थोपा जा सकता है, उस पर कंपल्सरी रूप से लागू हुआ, कहीं कुछ इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, और इसी को लेकर डिस्प्यूट पैदा हुआ। इसमें जो परामर्श शब्द दिया गया था
कंसल्टेशन शब्द, ये महत्वपूर्ण शब्द था। कंसल्टेशन का मतलब यह था कि भाई परामर्श, इस पर दो सवाल आए, परामर्श कितने लोगों से। खाली ये कह देने से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना जरूरी समझे, अरे भाई कोई संख्या होनी चाहिए ना, कितने लोगों से। इतने सारे हाई कोर्ट काम कर रहे हैं तो हाई उस समझ ले कि सारे हाई कोर्ट के सारे न्यायाधीशों से एक संख्या, एक डिजिट आनी चाहिए ना, एक सिस्टम ताकि कायम हो सके, एक सिस्टम लागू किया जा सके। तो सवाल उठाया गया कि भाई जो परामर्श शब्द दिया गया है, इस परामर्श शब्द से दो प्रश्न निकल कर आते हैं। पहली बात तो ये कि ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है कि नहीं है, राष्ट्रपति परामर्श मानने के बाध्य है कि नहीं है। दूसरी बात, परामर्श कितने व्यक्तियों से, आखिर कितने न्यायाधीशों से किया जाए। इस सवाल पर विचार करने के लिए 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस लाया गया। केस का नाम था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला, यह मामला कब था, 1982 का था। इसी मामले के जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्णय वाला मामला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय वाला मामला, इस नाम से भी इस केस को जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो सवाल लाए गए थे, लेकिन उसने एक प्रश्न का उत्तर दिया था। किस प्रश्न का? परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है कि नहीं है। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? बाध्यकारी नहीं है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अंतिम शक्ति किसमें आ गई? प्रधानमंत्री में आ गई, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता। राष्ट्रपति में आने का मतलब है कि प्रधानमंत्री में आ गई, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। इस मामले को फिर उठाया गया सर्वोच्च न्यायालय में। मामला अभी जो है पूरी तरह से ये निर्णीत नहीं हो पाया, पूरी तरह से मतलब इसके डाउट खत्म नहीं हो पाए, इसके सही उत्तर मिल नहीं पाए थे। दूसरी बार ये मामला लाया गया, पहला मामला ये था, दूसरी बार मामला लाया गया जिसे कहा गया सुप्रीम कोर्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वर्सेज ऑफ इंडिया, आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट या सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता बनाम भारत संघ मामला। मामला का था ये 1993 का था, 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का मामला था। एसपी गुप्ता वाला मामला था जो, इसमें 7 न्यायाधीश थे, निर्णय आया था 4:3 के अनुपात से, जिसमें 4 लोग क्या कहे कि निर्णय बाध्यकारी नहीं है। और आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है, मेजोरिटी से। तो मेजोरिटी 4 लोगों की तरफ थे, मान लिया गया कि बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला आया, इसमें 9 न्यायाधीश थे और इसने दिया था 7:2 के अनुपात से। क्या कह दिया? और इस मामले को कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्णय वाला दूसरा मामला, पहला यह था एसपी गुप्ता वाला, दूसरा मामला ये हो गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 7:2 के अनुपात से क्या बात कही? उसने कहा कि परामर्श
राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी? पहले प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर तो यहां भी दिया गया था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को बदल दिया, इसे पलट दिया। इसने इसमें कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अपॉइंट की पूरी शक्ति राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति होने का मतलब है कि कहीं और। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बाध्यकारी है। पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया उसने? उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाली कॉलेजियम की परामर्श पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा। इसका मतलब है कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति कब हुई? 1993 में। किस केस में? महत्वपूर्ण चीज, केस को याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम को प्रतिपादित सर्वोच्च न्यायालय ने कब किया था, किस केस में किया था, जो भी सवाल पूछे हो। तो केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ईयर है 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कि निर्णय बाध्यकारी है। दूसरा क्या कहा? उसने कहा कि कौन कौन लोग होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा और दो सीनियर जज होंगे। मतलब इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श देने के लिए एक तीन सदस्यीय न्यायिक मंडल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक कॉलेजियम सिस्टम का उसने प्रतिपादन किया और यहीं से कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ होता है। इसमें एक चीज और कह दी गई थी, इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेगा कि अमुक व्यक्ति की राष्ट्रपति को क्या परामर्श देनी है, लेकिन कहा गया कि अंतिम निर्णय किसका होगा? इसका होगा। यह कह दिया गया इसमें कि अगर चीफ जस्टिस के द्वारा लिया गया निर्णय दो वरिष्ठ जस्टिस के द्वारा लिए गए निर्णय से विसम्मत है, असंगत है, राय नहीं बन पा रही है, मुख्य न्यायाधीश का निर्णय, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अंतिम माना जाएगा, मतलब उसी के अनुसार हो जाएगा। अब फिर सवाल उठ गया, एक फिर यहां मतलब लूप छोड़ दिया गया। 1998 में मामला फिर आया, 1998 में। राष्ट्रीय राष्ट्रपति संदर्भ कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नाम से इसे जाना जाता, राष्ट्रपति संदर्भ। क्या था इसमें? फिर यह सवाल उठा, और इस केस में भी 9 न्यायाधीश थे। इसमें निर्णय आप देख रहे हैं 7:2, और इसमें निर्णय जो लिया गया था वो कंसेंसस से, पूर्ण सहमति से, सर्वसहमति से, 9:0 लिया गया। क्या हुआ था इसमें? आप जानते हैं भारतीय संविधान एक अनुच्छेद है 143, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर 30-35 अनुच्छेदों, 395 या 450 में से 30-35 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपको ढूंढना हो, चिन्हित करना हो, उसमें एक शामिल हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार, परामर्श देने का अधिकार 143 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के समक्ष किसी समय विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उपस्थित होता है जिस पर राष्ट्रपति अपनी राय नहीं बना पा रहा है, राष्ट्रपति उस पर अपनी समझ नहीं विकसित कर पा रहा है कि इसमें क्या किया जाए, 143 राष्ट्रपति को सुविधा देता है कि भाई इसको सर्वोच्च न्यायालय में जहां विधि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उनकी राय जान लीजिए, उनकी समझ जान लीजिए, फिर निर्णय करिए, फिर उसको जो करना हो करिए। 143 के द्वारा यह सुविधा राष्ट्रपति को दी गई। हालांकि 143 इस बात का भी उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए परामर्श बाध्य नहीं है और उसकी राय या परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, दोनों को
इसमें इतनी स्वायत्तता है कि कोई किसी की राय मानने की बात नहीं, ये पूछ लिए जरूर दे दे, नहीं बिल्कुल नहीं, दे दिए जरूर मान ले, एकदम नहीं, ठीक है, उन्हें लगे तो मान ले, उन्हें लगे तो राय दे दे। ये 143 में, तो इसी 143 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय इसी इशू पर सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा उसने, कहा कि भाई 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित कर दिया कि चीफ जस्टिस दो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके अगर परामर्श करता है, अगर चीफ जस्टिस से विसम्मत है, असंगत है दो न्यायाधीश, तो चीफ जस्टिस की राय मान ली जाएगी। इस बात में क्या यह भी बात निहित है कि चीफ जस्टिस दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करे ही ना, वो राय अपनी भेज दे, परामर्श अपनी भेज दे, क्या तब भी राष्ट्रपति उस परामर्श मानने के लिए बाध्य है? बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझा। 93 में कहा गया कि 3 सदस्यीय कॉलेजियम होगी, इस 3 सदस्यीय कॉलेजियम के परामर्श पर ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। ये तो सिंपल बात है। इसमें जो थोड़ा टेक्निकल बात यह थी, इसमें यह कह दिया गया कि अगर चीफ जस्टिस दो अन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श कर रहा है किसी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट के लिए, उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें सहमति नहीं बन पा रही है, दो न्यायाधीश कह रहे नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस को लगा नहीं यही हो, तो चीफ जस्टिस की बात मान ली जाएगी। लेकिन यहां था कि विचार विमर्श किया गया, परामर्श किया गया, परामर्श करने के बाद चीफ जस्टिस ने दो अदर जस्टिस की ओपिनियन को ठुकरा दिया, डिनाई कर दिया और अपनी राय भेज दी, और अपनी राय भेज दी तो राष्ट्रपति बाध्य है उसकी राय के अनुसार काम करने के लिए, उसकी परामर्श के अनुसार काम करने के लिए। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा कि मान लीजिए कि चीफ जस्टिस दो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श ही न करें, कॉलेजियम में 3 लोग हैं ना, चीफ जस्टिस कॉलेजियम में निहित दो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किए बगैर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में अपनी परामर्श राष्ट्रपति के पास भेज दे, क्या तब भी राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस की परामर्श से उस व्यक्ति को अपॉइंट करने की शक्ति रख रहा होगा? सवाल यह पूछा गया था। अब इसमें 9 न्यायाधीशों की पीठ बनी, 9 के 9 सारे उस गाइडलाइन के प्रति सहमत थे, कुछ गाइडलाइन डेवलप की गई, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए और उन्हीं सिद्धांतों के तहत आज तक, तब से बात शुरू हुई आज तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है, वो होती रही है, हो रही है। क्या गाइडलाइन दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 124 खंड 1 में जो परामर्श सब लिखा गया है, उस परामर्श का अर्थ एक व्यक्ति से नहीं, अनेक व्यक्तियों से। अनेक व्यक्ति को फिर डिफाइन किया दूसरे दूसरे दूसरी गाइडलाइन में। उसने कहा अनेक व्यक्ति का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य न्यायाधीश, मतलब कॉलेजियम कितने सदस्य हो गई, 5 सदस्य। 93 में कितने, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 93 में कितने सदस्य, 3। यहां पर उसको इनलार्ज किया गया, उसको और व्यापक बनाया गया, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बने न्यायिक मंडल की सभा पर राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करेगा। पहली बात। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण कह दी गई, जिसको लेकर अभी विवाद उठा, हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। इसमें एक बात और ही कह दी गई कि भावी मुख्य न्यायाधीश को इसमें जरूर शामिल किया जाएगा। भावी मुख्य न्यायाधीश कैसे डिसाइड होगा, इसको लेकर दिक्कत हुई थी ना भाई। ला कमीशन ने अपने 14 रिपोर्ट में उसने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सिर्फ वरिष्ठता नहीं, योग्यता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। और अगर पहले से तय हो जा रहा है कि अमुक व्यक्ति जो है वो अगला चीफ जस्टिस बनेगा, इसका मतलब किस बात पर मत दिया, केवल वरिष्ठता पर? इसमें यह बात कही गई थी राष्ट्रपति संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि इस 5 सदस्यीय कॉलेजियम में भावी
चीफ जस्टिस अवश्य शामिल होगा। अगली बात कही गई इसमें, मुख्य न्यायाधीश की राय चार अन्य न्यायाधीशों के राय के समकक्ष होगी, बराबर होगी, सबकी मानी जाएगी। 93 क्या था, मुख्य न्यायाधीश की राय बड़ी थी, काली थी, उसने दे दिया दो की गलत, दो की अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कह दिया गया, मुख्य न्यायाधीश की राय भी अन्य न्यायाधीशों के राय के समकक्ष ही होगी, उसके बराबर भी होगी। अगली बात इसमें कह दी गई कि मुख्य न्यायाधीश सहित, मौखिक कुछ नहीं चलेगा, मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य न्यायाधीश की परामर्श लिखित रूप से रिटर्न राष्ट्रपति के पास भेजी जाए, और जब इतना काम कर लिया जाएगा, इस तरह से राय भेजेगी परामर्श, तो राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। बाध्यता को डिनाई तभी कर पाएगा, बाध्यता को ओवरराइड तभी कर पाएगा जब परामर्श संबंधी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया, जो एक प्रक्रिया बताई गई अगर इसका अनुसरण नहीं किया गया तभी जो उसको ओवरराइड कर पाएगा, उसका उल्लंघन कर पाएगा, मतलब उसे डिनाई कर सकेगा। यह कहां पर कहा गया, राष्ट्रपति संदर्भ में 1998 में, और आज तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी कोलेजियम, हालांकि उच्च न्यायालय की जो कोलेजियम है वो 3 सदस्यीय ही है, अभी भी आज भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कोलेजियम बनेगी वो कितने होंगे, इसमें 5 मेंबर्स, चीफ जस्टिस और 4 अदर जस्टिस से मिलकर कोलेजियम बनेगी, और इसी कोलेजियम की परामर्श पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को बतौर न्यायाधीश अपॉइंट करेगा, बतौर न्यायाधीश नियुक्त करेगा, ये कहा गया था यहां पर। इतनी बात क्लियर ना, अपॉइंटमेंट की बात आप पढ़ रहे हैं, क्या चीज, सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा, सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करने का मतलब हो गया कि चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा, मतलब संविधान में प्रावधान कर दिया गया, वो डिसाइड, राष्ट्रपति को डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे, बिल्कुल। अब इसको लेके फिर डिस्प्यूट आ गया, इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसमें चला गया, न्यायपालिका में, राष्ट्रपति तो सिंबल है, वो तो प्रतीक बन के रह गया, रबर स्टंप बन के रह गया, जो कहेंगे जहां लगाएंगे वही लग जाएगा, वो पूरी पावर किसमें आ गई। और ये सिद्धांत पावर ऑफ सेपरेशन के विरुद्ध है। आप बताइए कि न्यायपालिका खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि नहीं, नेपोटिज्म का, भाई भतीजा बात, भाई भी चल भी रहा है कि नहीं, है आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा खतरा था। इस खतरा को पहली बार भांप लिया था जब कोलेजियम अस्तित्व में नहीं आई थी, तब है कौन, न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब 1982 में वो सर्वोच्च न्यायालय में बतौर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और उन्होंने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला जो पीठ बनी थी वो भी शामिल थे, जो 7 सदस्यीय पीठ थी। पीएन भगवती ने उस समय सलाह दिया था कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर एक एनसीजे नामक संस्था का गठन किया जाए, नेशनल जुडिशरी कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, और इस आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में सुझाव सबसे पहले एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में किसने दिया था, पीएन भगवती साहब ने दिया था। उन्होंने ध्यान दिलाया था कि जुडिशरी को अगर करप्ट होने से बचाना है, न्यायपालिका को अगर पार्शियल होने से बचाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग गठित किया जाए जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जाना जाएगा। उनके इस सुझाव के आधार पर आप जानते हैं कि 2014 में 99 में संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 99वां संविधान संशोधन 13 अगस्त को लोकसभा के द्वारा पारित हुआ, अगले दिन 14 अगस्त को राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ, बिल्कुल अगले दिन एकदम क्रम से 15 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
31 दिसंबर 2014 को इसे आरंभ भी कर दिया गया, नोटिफिकेशन लगा दी गई कि अब सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इस आयोग के परामर्श पर होगा। 99वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, यह न्यायिक नियुक्ति आयोग कितने सदस्य, 6 मेंबर, 6 सदस्य न्यायिक नियुक्ति आयोग, कौन कौन उसमें होगा? तो यह कह दिया गया कि इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय के 2 सीनियर जस्टिस, भारत सरकार का लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री तथा प्रधानमंत्री की समिति की सलाह पर 2 वरिष्ठ नागरिक भी उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की समिति में कौन कौन शामिल होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री खुद, लोकसभा में विपक्ष का नेता। 3 सदस्यीय कमेटी होगी प्रधानमंत्री की, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, लोकसभा में विपक्ष का नेता। इन 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री समिति की सिफारिश पर क्या किया जाएगा, 2 वरिष्ठ नागरिकों को भी इस एनसीजी में अपॉइंट किया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति कर रहा था, प्रधानमंत्री की मतलब प्रधानमंत्री जो परोक्ष में खड़ा हुआ था सलाह पर, तब तक आरोप क्या लग रहा था कि न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 को खारिज कर दिया। 16 अक्टूबर 2015 को उसने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कहा कि इसके मूल में ही विसंगति है। विसंगति क्या? न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री शामिल है उसमें, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता। और जिस न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान 99वें संविधान संशोधन द्वारा संसद कर रही, सरकार कर रही है, उसमें तो राजनीतिक हस्तक्षेप और बढ़ गया। अरे भाई, लॉ मिनिस्टर आ गया, अब तक नहीं था। प्रधानमंत्री की समिति जिनको गठित करेगी कौन लोग होंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने मूल भावना से ही भटक गया आयोग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और आयोग खत्म हो गया। ठीक है ना, ये कहा गया है। जो ये परिकल्पना दी थी न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसी के साथ जरा हम देख लें कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसके अलग से प्रावधान नहीं किया गया संविधान में। इसी आर्टिकल 124 सेक्शन 2 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी प्रावधान है, जहां पर अन्य न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान है। इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं था, सब कुछ आराम से काम हो रहा था। लॉ कमीशन ने इस पर डिस्प्यूट पैदा कर दिया। उसने जो अपनी 14 रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें उसने एक पॉइंट और जोड़ दिया था अपनी रिपोर्ट में कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं, उनमें जो ट्रेडिशन बना हुआ है वो सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। उसने कहा कि ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर किए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी का भी ध्यान रखा जाए, उनकी क्वालिफिकेशन का भी ध्यान, उनकी योग्यता को भी महत्व दिया जाए। ला कमीशन ने कह के एक विवाद पैदा कर दिया। ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी थी। 1958 से लेकर 73 तक ला कमीशन की रिपोर्ट डिनाई करते हुए, इग्नोर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती रही। 1973 में मामला फंसा, 1973 में मामला दिक्कतपूर्ण हो गया जब वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया। 1973 का मतलब यह था 24 अप्रैल 1973 को एसएम सीकरी, जो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, वो रिटायर हो रहे थे।
और आपको यह भी पता है कि वो यही वही ऐतिहासिक तिथि है 24 अप्रैल 1973, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा की का प्रतिपादन किया था। और प्रतिपादन करके क्या किया था, संसद के संविधायी शक्ति पर जो असीमित थी सीमा लगा दी थी। सीमा क्या लगी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं। इंदिरा गांधी को स्वीकार नहीं था ये। इंदिरा गांधी तो चाहती कहीं भी संशोधन करने का मतलब अधिकार होना चाहिए संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। और जो 13 सदस्यीय न्यायिक पीठ बनी थी, इस न्यायिक पीठ में जो 3 वरिष्ठ सदस्य थे जिनमें से किसी न किसी को वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी मिलती एसएम सीकरी के बाद, उसमें न्यायमूर्ति जेएम सेलेट थे, न्यायमूर्ति केएस हेगड़े थे, न्यायमूर्ति एन ग्रोवर थे। ये 3 क्रम में ये वरिष्ठता थी इनकी। वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर इन्हीं तीनों में से किसी को एसएम सीकरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जाना था, लेकिन चूंकि ये तीनों न्यायाधीश संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का समर्थन किया था, 7 अनुपात 6 अनुपात से निर्णय आया था, 7 वाले में शामिल थे कि हां संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, समर्थन किया था। अगर समर्थन कर रहे हैं तो खराब किसको लगेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी को। वो क्या क्या चाहती थी, कहीं भी संशोधन करने की असीमित शक्ति हो। और इसी खुन्नस की वजह से उन्होंने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन करते हुए इन तीनों से नितांत जूनियर, तीनों से नितांत कनिष्ठ जज को, किसे, एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इसका मतलब है कि एज कम रही होगी उनकी। आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय में कोई जब चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है कितने समय के लिए, 3 महीने 6 महीने 9 महीने, बहुत ज्यादा टेनर मिलता था, साल भर मिल जाता, क्योंकि वो करीब 65 साल के आसपास पहुंच रहा होता है, और 65 साल के बाद कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो नहीं सकता। एंड चूंकि जूनियर थे इसलिए 1973 से लेकर 1977 तक एक लंबा टेनर, 4 साल का एक लंबा टेनर मिला चीफ जस्टिस होने का। चलिए ठीक है, बात होती रही। 1977 में फिर जब एन रे को रिटायर होना था तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा। उस समय एन रे के बाद जो सबसे वरिष्ठ सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के, उनका नाम था हंसराज खन्ना, न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना नाम था। इंदिरा गांधी उनसे भी नाराज थी। नाराज किस मामले को लेके, एक केस का नाम आपने सुना होगा, शिवाकांत शुक्ला बनाम जबलपुर मामला, जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला, हैबियस कार्पस का मामला। इस हैबियस कार्पस के मामले में हंसराज खन्ना जी ने इंदिरा जी से विसम्मत निर्णय दिया था, जिस वजह से इंदिरा गांधी वो हंसराज खन्ना से भी नाराज थी, और नाराजगी निकाला उसने। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, बल्कि हंसराज खन्ना से बहुत जूनियर जस्टिस थे हमीदुल्ला बेग, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग को क्या बना दिया, चीफ जस्टिस बना दिया, बनवा दिए। राष्ट्रपति उन्हीं के परामर्श पर काम करना है। अभी 93 में कॉलेजियम आई ना, तब तक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की राष्ट्रपति परामर्श कौन कर, राष्ट्रपति को परामर्श कौन करेगा, उन्हीं के इशारे पर उन्हीं के संकेत पर सब काम हो रहा, मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल निकाय हावी था सर्वोच्च न्यायालय में, क्या नाम है, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब कुछ यही हो रहा था, लेकिन 93 वाला जो मामला था इसमें इस सवाल को भी उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ मामले में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय तल्ख हो गया, जैसे उसने, जैसे इस वकील ने इस सवाल को उठाया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाए कि योग्यता के आधार पर की जाए, सर्वोच्च न्यायालय तल्ख हो गया। उसने अपने तलखी पर करते हुए कहा कि बार बार ये नौटंकी सामने क्यों आ रही है, अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन गया है उसकी योग्यता पर भी सवाल उठाया जा सकता है क्या, अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो,
तो उसकी योग्यता पर कोई सवाल हो सकता है क्या? ऑलरेडी वो योग्य है। इसका मतलब है कि केवल एक अंतर है जो किसी को सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बना सके, वो कौन सा? सीनियरिटी का, एक्सपीरियंस का, अनुभव का। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख होते हुए निर्णय दिया कि अब से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सीनियरिटी होगा, वरिष्ठता के क्रम पर होगा। और तब से अब वही परंपरा बना ली गई है कि वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती रही है। यह कहानी है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की। देखिए, न्यायिक प्रणाली हमारी सदियों शताब्दियों से प्रश्न के घेरे में रही है। प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, हमेशा इस पर सवाल। एक कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सिर मूली टका सिर खाजा। कहानी पता क्या थी? कहानी में ऐसा था कि एक व्यक्ति की बकरी मर गई। बकरी मर गई मतलब पड़ोसी की दीवार गिरने की वजह से। तब तो राजा सब कुछ होता था, न्यायाधीश भी वही है, जुडिशरी मतलब वही है, वही एजुकेटिव भी है, वही लेजिस्लेचर भी है, कानून भी बनाता था, लागू भी करवाता था, न्याय भी वही करता था। मामला राजा के पास आया कि जिसकी मरी थी बकरी बेचारा आ गया रोते हुए, साहब हमारी बकरी बताइए मर गई, यही हमारी जीविका का आधार था। तो राजा ने पूछा, भाई कैसे मरी? तो कहा पड़ोसी की दीवार गिर गई, उसी में दबके मर गई। तो राजा ने कहा पड़ोसी को बोला दंड दिया जाएगा। पड़ोसी आ गया, राजा ने कहा कि तुम्हारी दीवार गिरने से इनकी बकरी मर गई है, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। वो भी रोने लगा बेचारा, कहा कि हुजूर इसमें हमारी जरा सी गलती नहीं है, बनाने वाली कारीगर की गलती है, दीवार को टेढ़ी कर दिया था वो। उसे पकड़ के लाया गया, कारीगर को, मिस्त्री को पकड़ के लाया गया, बताओ तुमने क्यों ऐसा कर दिया? उसने कहा कि हुजूर हमारी गलती इसमें नहीं है, क्योंकि सीमेंट की दीवार थी, इसमें जो पानी डाल रहा था सही ढंग से पानी नहीं डाल पाया, इसलिए दीवार कमजोर रह गई, सीमेंट पक नहीं पाई और वो गिर गई। तो ये वो पानी डालने वाले को बुलाओ। पानी डालने वाला आया, उसे दंड दिया गया। वो बेचारा दुबला पतला आदमी था, जब उसे दंड देने, फांसी का दंड दिया गया, बकरी मरने की वजह से कैपिटल पनिशमेंट, फांसी का दंड दिया गया, फांसी का फंदा बनाया गया। उस छीणकाय व्यक्ति को जब फंदे के पास ले गया तो फंदे का आकार बड़ा, उसके गले का आकार छोटा था। अब क्या किया जाए? फंदा बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, ये तो रूल था, लेकिन फांसी दी जाए, मतलब न्याय होगा, न्याय 100% होगा, फांसी दी जाएगी। अब राजा ने फरमान जारी कर दिया कि भाई देखो ऐसे न्याय हो नहीं पा रहा, क्योंकि फांसी हो नहीं पा रही है, रसरी उसकी जो फांसी का फंदा बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, इसको मोटा किया नहीं जा सकता, तो फांसी तो होके रहेगी। फरमान दिया गया कि पूरे राज क्षेत्र में जाओ, देखो इस फंदे के आकार के गले वाले व्यक्ति को पकड़ के लाओ, क्योंकि फांसी तो होके रहेगी। उसके बाद राजा के अनुचर सब निकल पड़े, बेचारे फंस गए दो साधु बाबा, खा पी के खूब शरीर बनाए हुए थे, उनका राजा के नापे वो लोग, तो उसमें से एक का एकदम उसी आकार का आ गया। अब फांसी आए वो, लेकिन साधु बाबा ने बीच में दिमाग लगा लिया था ठीक से बचने के लिए, वहां तक आते आते उन्होंने सोच लिया था ठीक से कैसे बचा जा सकेगा। उसके बाद उनको लाया गया, राजा देख के खुश हो गए, कम से कम न्याय हो जाएगा। न्याय होने का मतलब फांसी तो किसी न किसी को ही आएगी, न्याय होने का मतलब फांसी होना उस समय था। तो उस आकार का आदमी मिल गया है तो न्याय तो होकर रहेगा, अब न्याय होने में कोई संदेह नहीं है, मतलब हमारी न्यायिक सिस्टम जीवित रहेगा। राजा को इस बात की प्रसन्नता थी। साधु बाबा सोचते हुए आ रहे थे, चलिए कुछ बचने का अंतिम तरीका देख लिया जाए, भाई तरकीब निकल आई। जैसे पहुंचे, ये बात चल रही है, साधु बाबा बिल्कुल उत्सुक हो गए, जल्दी हमको फांसी पर ले चलिए। राजा चौंक गया कि कोई आदमी मरने के लिए इतना उत्सुक, इसे मतलब फांसी पर लटकाया जाना है और ये उतना, हमको जल्दी ले चलिए। राजा ने उससे पूछे, भाई क्यों तुम इतने उत्सुक हो, मरने के लिए इतने उत्सुक हो? कहा कि हुजूर टाइम है, ये हमको पकड़ ला पाते क्या? जो ग्रह नक्षत्र इस समय चल रहा है, टाइम पीरियड है, इसमें जिस व्यक्ति को फांसी होगी सीधे स्वर्ग में जाएगा। राजा कहे सबको हटाओ, मैं जाऊं स्वर्ग में, मुझे जाना है। हमारी न्यायिक प्रणाली जो है वो शुरू से ही दोषपूर्ण रही है, ठीक है ना, कहीं कहीं कोई दिक्कतें रही हैं, तो वो दिक्कतें आज भी चली आ रही हैं।
और उसी को सुधारने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। ठीक है भाई, यहीं छोड़ते हैं, कल इसके आगे, कल परसों तीन दिन में खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक ठीक है।